पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कटघर थाना क्षेत्र में पशु व्यापारी की लूट के बाद हत्या कर दी गई। हत्या के बाद व्यापारी के शव को बोरे में बंद करके हत्यारे गोट गांव के पास एक निर्माणाधीन मकान में फेंक कर फरार हो गए। व्यापारी ने सुबह ताहरपुर बाजार में 3 बकरे बेचे थे, जिसके रुपए लेने वो रहमत नगर आया था, तभी से वो गायब था। इसी बीच पशु व्यापारी के परिजनों को गोट के पास बोरे में एक शव मिलने की सूचना मिली। परिजनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर देखकर बोरे में बंद शव की शिनाख्त की। बताया गया कि 4 बजे सूचना मिली थी, गोट गांव में एक निर्माणाधीन मकान में बोरे में बंद शव पड़ा है। कटघर पुलिस मौके पर पहुंची और बोरे को कब्जे में ले लिया। बोरे को खोलकर देखा तो एक युवक की लाश थी। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में गोट काशीपुर तिराहा और ताजपुर माफी चक बेगमपुर समेत कई गाँव के लोग मौके पर पहुंच गए। उसके सिर और गर्दन पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। रात में करीब 1 बजे मैनाठेर के ताहरपुर दोयम निवासी वारिस अपने परिवार के साथ कटघर थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनका बेटा फैजान दोपहर से गायब है। उसने मंगलवार को ताहरपुर साप्ताहिक बाजार में 3 बकरे 54,500 रुपए में बेचे थे। बकरे खरीदने वाले रहमत नगर का निवासी है। फैजान उससे रुपए लेने के लिए रहमत नगर आया था। यहां उसने रुपए लेने के बाद अपनी मां अंजुम को फोन कर बताया कि उसने रुपए ले लिए हैं। वो रुपए लेकर घर आ रहा था। उसने मां से ये भी पूछा कि खाने में क्या बनाया है। इसके बाद फैजान ना तो घर पहुंचा और ना ही उसका मोबाइल फोन लगा। पुलिस ने शव मिलने की जानकारी दी। परिजनों ने शव देखा तो चीख पुकार मच गई। उन्होंने गोट में बोरे में बंद मिले शव की पहचान फैजान के रूप में की। वारिस ने बताया कि परिवार में मां अंजुम, दो भाई तारिक और भूरा, दो बहनें निशा और फिजा हैं। दिनांक 2 जुलाई को थाना कटघर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोट में एक अज्ञात व्यक्ति का शव एक बोरे मिला। कटघर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ना तो उस शव के बारे में कोई जानकारी थी कि मृतक का नाम क्या था, और ये ब्लाइंड मर्डर केस के दौरान मिला था। पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सर्वप्रथम इसके फोटो का प्रचार प्रसार किया गया, जिसके द्वारा इसकी शिनाख्त संभव हो पाई। शिनाख्त होने के बाद जब इसकी पूरी प्रतिक्रिया और पूरी इसकी दिनचर्या की जानकारी ली गई, तो इसकी मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया और इसके पिता की तहरीर के आधार पर कल मुकदमा दर्ज किया गया। और मात्र 24 घंटे में पुलिस के द्वारा इसका स्मरण आवरण किया गया, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया। अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि वह ग्राम मैनाठेर में 2 बकरे लेने के लिए गया था, जहाँ पर उसका आंशिक रूप से उसने पेमेंट कर दिया था, पर पूर्ण पेमेंट के लिए उसके द्वारा अपने घर पर अभी मृतक को बुलाया गया था। जब मृतक इसके घर पर पहुँचा तो उसने उसे एक बंद फैक्ट्री में ले जाकर एक कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिसमें एक केमिकल मिला दिया था, जिसको कोल्ड ड्रिंक में मिलाने से वो पॉइजनस हो जाता। उसको 2 घूंट पीने के बाद तुरंत जो है वो मरणासन्न हो गया। उसके बाद उसे एक कट्टे में बंद करके वो लूना में डालकर उसे ग्राम गोट में एक अपनी दुकान में छोड़ा और वहाँ से फरार। पुलिस के द्वारा अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त जो लूना है, जो केमिकल है, जो 2 बकरे जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन सबको बरामद कर लिया गया। अभी उसको जेल भेजा गया।